गुड आफ्टरनून, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, यू ऑल आर वॉचिंग प्रधानमंत्री विद्या चैनल नंबर 10 एंड अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल एंड आई एम कुसुम प्रसाद. दिस इज अवर लाइव इंटरेक्टिव सेशन इन विच ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 1. एंड टू टीच दिस सब्जेक्ट अवर एक्सपर्ट इज मिस सविता ग्राहक मैम. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में. नमस्कार मैम, यू आर वेलकम इन दिस सेशन. जी नमस्कार कुसुम जी, और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार. जी मैम है टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुल रोड कुरुक्षेत्र से हैं. तो मैम आपको बताएंगी मैथमेटिक्स क्लास 10th के स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी ये वाला चैप्टर कि किस तरह से हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए. तो इससे पहले कि आज का हम सत्र शुरू करें, हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन से आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ कर लाभ ले सकते हैं. तो आप हमने हमारे जो विभिन्न माध्यम है उसके ज़रिए इस हमसे जुड़ सकते हैं. इस सत्र में आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर. हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर. और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर. और एक और माध्यम है जैसा आपको पता ही, हमारा YouTube चैनल यानी NCERT ऑफिशियल के लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस, अपने सुझाव, कोई भी फीडबैक है आज के चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न आप यदि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने मैसेजेस ड्रॉप कीजिए और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देकर. तो अब हम देर नहीं करते, हम रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस सविता मैम की तरफ. मैम आपका पुनः स्वागत है, शुरुआत करते हैं आज का सत्र. जी बिल्कुल कुसुम जी, तो हमारा आज का टॉपिक डियर व्यूअर्स ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. जैसे कि हमें पता है कि इससे पिछला जो हमारा सेशन था दैट वाज आल्सो ऑन द टॉपिक सर्कल्स, लेकिन वहां पर हमने जो टॉपिक्स रिलेटेड टू सर्कल्स किए थे दीज वर टोटली ज्योमेट्रिकल टॉपिक. यानी आपने टेंजेंट्स टुवर्ड्स सर्कल के बारे में पढ़ा, आपने किस तरह से टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज 90 डिग्री, जिसे समझा और जाना, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. तो अभी हम बढ़ते हैं आगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. अगर एरिया की बात करें तो यानी आप मेंसुरेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आस पास बहुत से सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के वेरियस पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं. You might be thinking कि various portions यानी क्या. तो let us start discussing various parts of a circle and first of all let us discuss about circles in our daily life. Here I have taken a few images of circles. हम ये सब images अपने आसपास देखते हैं, हमें पता है ये सभी images जो हैं these are circular in shapes. This is a circle and in this circle there are again 4 more circles. Okay, there are many circles around us. अगर हम मैथमेटिक्स की शेप को अपने आसपास से निकाल देते हैं तो हमारे आसपास बचता ही बहुत कम चीजें हैं. ओके, जिस रूम में हम बैठे हैं दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, द डोर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड मेनी अदर शेप्स आर देयर. तो अगर आप इस सीढ़ी को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीच में दिस इज अ सर्कल, इस बाउंड्री आउटर बाउंड्री इज ऑल्सो सर्कल जो यहां पर हमें एलिप्टिकल फॉर्म में दिखाई दे रही है, बट अगर आप इसे स्ट्रेट करके देखते हैं दिस इज अ सर्कल. तो इस सर्कल में अगर मैं एरिया जानना चाहती हूं कि ये कंप्लीट एरिया कितना है, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं यानी एरिया ऑफ अ सर्कल. और अगर हमें आउटर सर्कल और इनर सर्कल के बीच का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, वी मस्ट नो कि क्या हमारी रेडियस है आउटर सर्कल की. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, लेट मी अज्यूम इट एज कैपिटल आर, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल. तो अगर मुझे एरिया निकालना है विच हैज बीन शेडेड हियर इन रेड कलर, व्हाट विल बी दैट, दैट विल सिंपली बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर. तो आउटर सर्कल का हमने रेडियस एज्यूम किया है कैपिटल आर, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो अभी डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल इज बेसिकली अ पाथ
which is traced by a point in a plane which are at a fixed distance. यानी कि अगर कोई गिवन पॉइंट है, let me say this is my given point. ये गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट से अगर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंसेस, ये सभी जो डिस्टेंस है ये सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर हम ये एक पाथ जो जनरेट हो रहा है, इस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज अ सर्कल. ओके, एंड सर्कल को ही हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सर्कल इज सिंपली, पहले हमने पाथ की फॉर्म में डेफिनेशन बोली, अभी हम बात करें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. और ये पॉइंट्स कैसे हैं, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. लेट अस डिस्कस सम मोर डेफिनेशंस विच आर पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. कोड, व्हाट इज द कोड ऑफ अ सर्कल? यस, सो द कोड ऑफ अ सर्कल इज दिस लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं, लेट दीज बी हियर पॉइंट P एंड पॉइंट Q, और इन पॉइंट्स को जॉइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, दैट इज नोन एज द कोड ऑफ द सर्कल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डायमीटर? ओके, अभी हमने कोड समझा, तो कोड को समझने के बाद अगर हम ये दो पॉइंट्स इस तरह से लेते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल पर, कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट PQ है वो सेंटर से पास कर जाए, तो उस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल. और हम ये भी बोल सकते हैं द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. हमें ये भी पता होना चाहिए रिलेटेड टू डायमीटर, जो जो बातें हमें क्लियर हैं, पता है, दैट ऑल द डायमीटर्स आर इक्वल इन लेंथ. जितने भी डायमीटर्स हैं उन सभी की लेंथ इक्वल होती है, छोटे बड़े नहीं हो सकते. जैसा हम यहां पर एक दूसरा डायमीटर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इट इज अगेन अ कोण पासिंग थ्रू दिस सेंटर, दिस इज द डायमीटर, बट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ए बी विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर पी क्यू. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट कोण हम किसे बोलेंगे, तो डायमीटर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कोण, क्योंकि इस कोड के ऊपर नीचे इधर उधर आप जितनी भी कोड्स बनाएंगे उन सब की लेंथ डायमीटर की लेंथ से छोटी होगी. ऐसे ही अगर आप दूसरी डायरेक्शन में भी अगर कोड्स ड्रॉ करेंगे, उनकी लेंथ जो है डायमीटर से छोटी होगी. और नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन और विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री. और डायमीटर इज जस्ट डबल और ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ आर सर्कल. डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस होता है. नाउ व्हाट डू मीन बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स? क्योंकि जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरियाज कैलकुलेट करते हुए देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं कि देयर आर टू और थ्री और फोर कंसेंट्रिक सर्कल्स, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्कल. तो हमें पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है वो सभी सर्कल्स जिनका सेंटर बिल्कुल सेम है. जैसे हम देख सकते हैं ये छोटा सा जो सर्कल है इसका सेंटर दिस पॉइंट ओ है, सेम इससे नेक्स्ट जो सर्कल है फॉर दैट ऑल्सो द सेंटर इज सेम. नेक्स्ट जो हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है इन दिस कलर, दैट इज ऑल्सो सेम. नेक्स्ट ग्रीन कलर के सर्कल तक के लिए भी सेंटर इज सेम, सिर्फ और सिर्फ इनकी रेडियाई जो है वो वेरी कर रहे हैं. डियर व्यूअर्स, रेडियस का प्लूरल इसे हम बोलते हैं रेडियाई. ऑलराइट, तो अगर अभी किन्हीं भी दो सर्कल्स के बीच का एरिया निकालना हो और जो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, तो दैट इज सिंपल, हम आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द सेमी सर्कल. नाम से ही क्लियर है कि अगर हम किसी सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दिस पार्ट एंड द अदर इज दिस वन, तो ये जो दो पार्ट्स बन रहे हैं, दीज बोथ पार्ट्स आर इक्वल विच आर ड्रॉन ड्यू टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसीलिए हम इन्हें बोलेंगे सेमी सर्कल्स. एंड सर्कमफेरेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, दैट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दिस होल बाउंड्री, दिस इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सेगमेंट ऑफ द सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया हम सेगमेंट का भी निकालेंगे, हम सेक्टर का भी एरिया निकालेंगे। एरिया मीन्स सम पोर्शन विच यू कैन टच। सो हियर वी कैन सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन एंड दिस विल बी नोन एज, अगर हम बात करें ये एरिया को डिफाइन कैसे करें, तो हम इस एरिया को डिफाइन करेंगे दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कोर एंड वन ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की एक आर्क और कोर के बीच का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज द सेगमेंट। बिटवीन अ कोर एंड बिटवीन एन आर्क। अब यहां पर भी हमारे माइंड में इमीडिएट एक क्वेश्चन आएगा कि अपोजिट साइड पर भी तो कोर ही है, ये भी तो ए भी कोर है और ये कंप्लीट जो है दिस इज द मेजर आर्क, तो दूसरी तरफ का भी जो एरिया बन रहा है दैट इज ऑल्सो अ सेगमेंट, और इन दोनों सेगमेंट्स को हम नेम दे सकते हैं मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज द माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर इज ऑल्सो द एरिया बट इट इज नॉट बिटवीन द कोर एंड द आर्क, इट इज बिटवीन एंड आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। वो रीजन जो हमारे पास सर्कल की दो रेडियाई, लेट मी से दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द रेडियस ओ ए, द फर्स्ट रेडियस इज ओ ए एंड द अदर रेडियस इज रेडियस ओ बी, तो इन दोनों रेडियाई और ये जो हमें आर्क दिखाई दे रही है आर्क ए बी, इन दोनों के बीच का जो ये ग्रीन शेडेड एरिया है दिस विल बी नोन एज द सेक्टर एंड this will be said to be minor sector of the circle. इसी तरह से बाकी जो हम ये रेड कलर में शेड कर रहे हैं this complete is also representing the sector but this is the major sector of our circle. तो हमें समझ आ गया कि what do we mean by minor segment, major segment, then minor sector and major sector. Now let us come towards the formulas. The very first formula we are discussing here is for circumference of the circle. Basically circumference के बारे में जब बात करेंगे so the formula here is pi into diameter और you can write that as, हमें पता है कि diameter का मतलब क्या है, double of radius, and circumference of the circle is pi multiplied by double of radius which can also be written as 2 pi r. This is the circumference of the circle. All right? और हमें क्लियर होना चाहिए that what do we mean by pi? Pi का जो relationship रहता है, वो यहाँ पर explain किया गया है, that pi is the relationship between the circumference and the diameter of the circle. Circumference means the boundary, this complete boundary of the circle, and diameter हमें पता है क्या है, इन दोनों का जब हम ratio निकालते हैं, if we divide the circumference of the circle by the diameter, then we are getting the exact value of pi. यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे, हम कोई भी सर्कल ले लें, let the radius of the circle be 4 centimeter or 4 meter or 4 kilometer or whatsoever. हमेशा circumference को diameter से divide करने पर जो value आती है, that is approximately 3.14. और इस 3.14 वैल्यू को ही हमने नेम दिया है पाई। एंड डियर व्यूअर्स लेट मी टेल यू ऑल दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल, क्योंकि जब आप सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हो तो एग्जैक्ट नहीं बल्कि हमारे पास ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है विच इज नॉन एज 22/7 और वी कैन से 3.14। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर बात करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल की, तो एरिया ऑफ द सर्कल जैसे हमें फॉर्मूला, मुझे पता है हम में से बहुत से बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं फ्रॉम आर क्लास 7। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमें पता है द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर फॉर इट वेयर आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस, बट ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस सी दैट। हमने इसके लिए क्या किया, हमने अपना सर्कल लिया और सर्कल को हमने बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। सेक्टर हमें पता है क्या होता है, सेक्टर इज द एरिया बिटवीन एन आर्क एंड द
2 ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो हमने इसको बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया, टोटल कितने सेक्टर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 16 सेक्टर्स, और ये सभी जो सेक्टर्स हैं इन सभी का एंगल विच इज फ्रेमिंग हियर एट द सेंटर, ये एंगल जो है ये हमने इक्वल लिया है, यानी इन सेक्टर्स का एरिया भी इक्वल है, ओके। और उसके बाद अगर हम इसे कट कर देते हैं, कट करने के बाद अगर हम फर्स्ट सेक्टर, लेट मी सी हियर दिस इज योर फर्स्ट सेक्टर, और इस फर्स्ट सेक्टर को हम रख रहे हैं इस तरह से, ओके। देन वी पिक्ड अप द सेकंड सेक्टर, और सेकंड सेक्टर को हमने रिवर्स रखा, जो सेंटर पॉइंट था उसे हमने इस तरफ रखा और आर्क को अपोजिट साइड। इसी तरह से थर्ड को फिर से, सेंटर इज हियर एंड आर्क ऑन द अपोजिट साइड। इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, अप टू ऑल 15 सेक्टर्स हमने इस तरह से रख दिए हैं, और जो 16 सेक्टर था दैट इज ऑल्सो इन दिस शेप। इस सेक्टर के अगर हम टू इक्वल पार्ट्स कर देते हैं एट एन एंगल ऑफ स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हाइट लेते हुए अगर हम इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हाफ ऑफ दिस एरिया हैज बीन कैप्ट हियर, हाफ ऑफ दिस हैज बीन कैप्ट हियर। अब हम देख सकते हैं कि यही जो सर्कल था इसे हमने एक रेक्टेंगल की शेप में चेंज कर दिया, एंड इफ दिस इज अ रेक्टेंगल देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर ये रेक्टेंगल था उसका एरिया और सर्कल का एरिया बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल। Why? क्योंकि सर्कल के एरिया को ही तो कन्वर्ट करके ये रेक्टेंगल फ्रेम हुई है, ओके। आप बहुत अच्छे से ये मॉडल भी खुद से बना सकते हैं, आप खुद से इस एक्टिविटी को घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं, और परफॉर्म करके देखने के बाद यू कैन शेयर दैट विद अस, ओके। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया सर्कल के एरिया के इक्वल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब क्लीनली ऑब्जर्व हम करते हैं कि व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो द ब्रेथ इज दिस थिंग विच इज AD, एंड व्हाट दिस AD इज, दिस इज सिंपली द रेडियस ऑफ योर सर्कल, यानी हम ब्रेथ के प्लेस पर लिख सकते हैं R, और L के प्लेस पर लेंथ कितनी है वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। L यानी कि ये कंप्लीट बाउंड्री, और ये कंप्लीट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, दैट इज द सर्कमफेरेंस। इस सर्कमफेरेंस का आधा हिस्सा हमने इस साइड अलोंग द साइड AB फ्रेम्ड हो रहा है और बाकी का आधा हिस्सा इस तरफ है। तो मुझे पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr, उस 2πr का हाफ, हाफ ऑफ 2πr जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड DC, यानी कि दिस इज द लेंथ। लेंथ क्या है, हाफ ऑफ 2πr, एंड वी कैन सिंपली कैंसिल दिस 2/2, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू गेट द एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr². सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सर्कल। अभी हमने बात की थी दैट व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जब हैं तो उनके बीच का एरिया निकालने का सिंपल और डायरेक्ट जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। इसे हम लिख सकते हैं पाई कॉमन लेने पर पाई इंटू r² माइनस r², और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम सभी जानते हैं दैट इज a² माइनस b² इक्वल्स a+b इंटू a-b। By applying that identity here, this formula can also be written as this, जिसके कारण हमारे questions को solve करना थोड़ा सा easy हो जाए। You can also apply the same formula directly. There is no objection in that. But you can also think it in this way. Okay, जो अभी तक discuss किया हमने area of circle, circumference of a circle, और एरिया enclosed between two concentric circles को discuss किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, ताकि कवर हो जाए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। बट दिस क्वेश्चन इज, यस, अ रेसिंग ट्रैक इज बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सर्कमफेरेंसेस 220 एंड 286 मीटर।
ओके, आउटर सर्कल की जो रेडियस यहाँ पर गिवन है दैट इज गिवन टू बी कैपिटल आर, और इनर सर्कल की जो रेडियस है दैट इज गिवन टू बी स्मॉल आर. Circumference is given, that means 2 pi r and 2 pi r, both of these are given to be 220 meter. हमें clear होना चाहिए कि inner circle जो है उसी की circumference कम होगी, outer circle की boundary उससे ज्यादा ही होगी. तो outer circle की circumference 286 meter और inner circle के लिए 220. By solving it, we can write that r equals to 286 into 1 upon 2 into 1 upon pi. और 1 upon pi को we can also write as 7 upon 22. From here we will be able to find the radius from the other part. Radius of the inner circle can be calculated. और हमें जो finally calculate करना है, what that is, find the area of the racing track. यानी हमें ये जो blue color का area सारा कपड़े दिखाई दे रहा है, हमें ये area calculate करना. So how will we find? We have discussed it. Simply, area of outer circle minus area of inner circle. This will be your area of the track. Yes, I hope this is clear up to here. Now, let us discuss about central angle. अभी हम पढ़ रहे हैं area related to circles की. Next, जहां सीखेंगे कि किस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इट इज सेंट्रल एंगल की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल एंगल मींस दिस पर्टिकुलर एंगल. और अगर हम इसे डिफाइन करने की बात करते हैं तो द डेफिनेशन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर और अ कोण ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल. यहां पर हम देख सकते हैं दिस बीसी इज द आर्क ऑफ द सर्कल और बीसी आर्क सेंटर पर जो एंगल यहां फ्रेम कर रही है दिस इज लेट मी नेम इट एज थीटा. सो दिस एंगल बीएसी इज गिविंग अस द वैल्यू थीटा नोन एज द सेंट्रल एंगल. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए आपको पता है ये कंप्लीट जो लेंथ है that means this complete circle's boundary. This is known as the circumference 2 pi r and this is for 360 degree. Pure circle ka jo complete angle banta hai that is 360 degree. Agar 360 degree ke liye length of arc, length of complete arc ya fir circumference of the circle 2 pi r ban rahi hai, to what will it be for 1 degree? That will be 2 pi r divided by 360 degree. And if the angle, central angle is given to be theta, then what it will be? It will be 2 pi r divided by 360 degree into theta. Or it can also be directly written as pi r theta divided by 180 degree. So this is our first formula, what that is length of an arc. और क्या होती है लेंथ ऑफ एन आर. इट इज थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, या आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर. पहले हमने डिस्कस किया लेंथ ऑफ आर, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर. बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हमने लेंथ ऑफ आर कैलकुलेट की है, ऐसे ही एरिया ऑफ द सर्कल की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर. देखिए कंप्लीट सर्कल का एरिया हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर. और कंप्लीट सर्कल के लिए सेंट्रल एंगल कितने डिग्री, इट इज 360 डिग्री. सो अगर 360 डिग्री के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर है सो व्हाट इट विल बी फॉर 1 डिग्री, इट विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. और अगर हमने एंगल लिया है सेंट्रल एंगल थीटा सो द एरिया फॉर्मूला विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय थीटा. इट विल नॉट बी टू हियर, इट इज डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है
pi r square theta divided by 360 degree. Now let us discuss the area of the major sector. ये बहुत easy है. Full circle का area हम सभी को पता है. If this is the complete circle, तो complete circle का area होता है pi r square. Minor sector का area अभी हमने calculate किया pi r square theta divided by 360 degree. तो अगर हमें कैलकुलेट करना है ये एरिया जो लाइट ब्लू कलर में यहाँ पर शेडेड है, इस कंप्लीट एरिया, ये क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. पूरे सर्कल में से हम माइनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. यस नाउ आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम. और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम जी सविता मैम हमने आज जाना एरिया रिलेटेड करेंगे अबाउट द एरिया ऑफ क्वेश्चन. सविता मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमने जाना आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में. तो आज आपने बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को बताया, इसके बारे में डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज बताए. तो मैम आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया मैम. जी नमस्कार मैम. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें उम्मीद है कि आज सविता मैम ने जो आपको बताया इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज बताए और उन्हें ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चैप्टर अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप डिमांड करता है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आपके लिए आगे लॉन्ग रन में भी काम आएगा. तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल पर, क्योंकि हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही कुछ ही पलों में सोशल साइंस लेकर आएंगे. हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.